के अफसर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिलके जो हेरा फेरी कर रहे हैं, ये क्या इनसे रिश्वत लेते हैं, नवी भर्तियां करते हैं? ये लोग हमारे देश को साफ रखते हैं, क्या इनका कोई अधिकार नहीं है? अगर एक दिन हमारी गली, स्कूल या कहीं भी सफाई कर्मी नहीं आते तो हमें किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ये बताने की शायद ही जरूरत है। बदले में अगर सफाई कर्मियों को उनकी मेहनत का पैसा ना मिले या उन्हें बिना वजह नौकरी से निकाला जाए तो सोचिए उनके घर कैसे चलेंगे। दरअसल संविदा चिकित्सा कर्मचारियों को निकालने के बाद दिल्ली के अन्य अस्पतालों में सफाई कर्मचारियों को भी बड़े पैमाने पर नौकरी से निकाला गया है। अकेले लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल परिसर में 357 संविदा सफाई कर्मचारियों को मनमाने तरीके से निकाल दिया गया है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस सफाई कर्मियों के इस अवैध छटनी के खिलाफ LHMC अस्पताल परिसर के सफाई कर्मियों के साथ मिलकर लगातार संघर्ष कर रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सर, पहले थोड़ा सा मजदूरों की समस्याओं को बताइए और क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या माहौल हो गया है उसके बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ। ये सारे जो प्रदर्शनरत ये आपको श्रमिक हैं, ये सारे सफाई कर्मचारी हैं, और ऐसे वैसे सफाई कर्मचारी नहीं, ये कोरोना वॉरियर जो कोरोना के टाइम में आपको जो ये है लेडी हार्डिंग अस्पताल जो आपके CP में है, ठीक है, जो आपके संसद से 1 किलोमीटर भी नहीं है, ठीक है, आपके श्रम मंत्रालय से भी 1 किलोमीटर नहीं है, वहाँ के कर्मचारी हैं, ठीक है। इन्होंने कोरोना के दौरान दिन भर का मतलब पूरी शिद्दत से काम किया है, 12-12 साल से लोग काम कर रहे थे। इनको न्यूनतम वेतन उस समय भी नहीं दिया जाता, जब इन्होंने लागू कराया न्यूनतम वेतन तो इनको हटा दिया गया है। हाईकोर्ट से इन्होंने स्टे ले लिया जिस दिन हटाया जा रहा था, तब भी जो प्रशासन है हाईकोर्ट का ऑर्डर को नहीं मान रहा है। ये वर्कर करीब 100 दिन से गेट पे बैठे हुए हैं, कोई सुधी लेने वाला नहीं है। हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट के डेट पे न प्रशासन आया न ठेकेदार आया है। दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मई के आदेश के बावजूद LHMC कार्यकर्ताओं को अपनी नौकरी गवाए 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो पूरा जो सरकारी महकमा है जिनको पूरा कमीशन का पैसा जाता है, ठीक है ना, लोगों ने पूरी तिकड़मबाजी करके 31 मई को इनको सबको निकाल दिया। ये समस्याएं कोई ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन इनको बढ़ाया गया है। जब हाई कोर्ट का रूल है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर बदला जा सकता है लेकिन वर्कर नहीं बदले जाएंगे, लेकिन नहीं, ये अफसर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिलके जो हेरा फेरी कर रहे हैं, ये क्या इनसे रिश्वत लेते हैं, नवी भर्तियां करते हैं? जब तक ये हिटलरगिरी ख़त्म नहीं होगी और वर्कर के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। एक तरफ ये कहते हैं हमारे देश में कि सब कुछ इनके लिए हो रहा है और एक तरफ इनके साथ अन्याय हो रहा है, पर क्यों? ये लोग हमारे देश को साफ रखते हैं, क्या इनका कोई अधिकार नहीं है? हम लड़ेंगे और इनको इंसाफ दिला के रहेंगे, जितना भी होएगा हम जब तक लड़ेंगे, जब तक सांस है खूब लड़ेंगे हम। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, 31 में 1 महीने का हमारा बढ़ा दिया गया था उसका, अप्रैल का, अप्रैल के बाद में हमें 30 अप्रैल में कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं है। 1 तारीख में जैसा आए 1 मई को, उस दौरान हम कह लेंगे अब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, आप नए सिरे से भर्ती करो और 25,000 रुपये दो तब आपको रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखेंगे। और जो केस में थे डायरेक्टर का जो PA था, उसमें 19 मार्च में हमने बात करी थी उनसे, वो कह लेंगे जो यूनियन के बंदे हैं आप अपना केस ले लो और हम आपको रख लेंगे। तो हमारे हाथ से जो है हमारे पैर काटे जा रहे थे, मतलब केस वापस ले लें फिर ड्यूटी भी नहीं देंगे, जब केस वापस लेंगे तो हम कोई कोर्ट भी नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि हम अपने पैरों से अपने हाथ काट लेंगे। ये प्रशासन का रवैया था। 31/5/2022 में ऑर्डर कर दिया गया कि ये जो 37 वर्कर है इनको कंटिन्यू रखा जाए, उसके बाद भी मनमानी तरीके से नहीं ले रहे हैं। ठेकेदार नहीं जाता हाई कोर्ट में, डिप्टी डायरेक्टर नहीं जाता, बताओ ऐसे में हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिखेंगे? एक तरफ तो मोदी कह रहा है कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बच्चों को पढ़ा लेंगे? एक सही नई शिक्षा नीति के परमिशन के बाद भी ये लोग आपको नहीं, मनमानी तरीके से नहीं ले रहे हैं।
और उसके बाद भी हम लड़ेंगे और लड़ेंगे हम जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।